एक सेकंड भी यहाँ पे देखिए, पीडीएफ में बनाने के लिए और पीडीएफ में बना के अपलोड करना है हमें मार्कशीट भी, और साथ में अगर सीजीपीए में है तो सीजीपीए और परसेंटेज वाला फार्मूला जो मार्कशीट के पीछे कवर में होता है पीछे की साइड में, उसको भी पीडीएफ में स्कैन करना है। उसके लिए टाइम स्कैनर तो लोगों के पास होता था या कुछ लोगों के पास होगा, बट वो बैन है, इसलिए एक नया ऐप है एडोब स्कैन। गूगल प्ले स्टोर से हमने ये डाउनलोड करने का तरीका बता दिया, पहले से डाउनलोड कर रखा है। ओपन करेंगे, पूरा प्रोसेस देख लीजिए इसे ऑपरेट कैसे करते हैं। यहाँ ज़रा भी स्किप मत करिएगा, ज़रा भी मत करिएगा, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। कंटिन्यू करेंगे, परमिशंस मांगेगा, लेट्स गो पे क्लिक करेंगे, अलाउ पे करेंगे। अब देखिए ये नीचे, पहले नीचे ध्यान दीजिए, वाइट बोर्ड बुक और डॉक्यूमेंट आईडी कार्ड बिजनेस कार्ड ये सब है ना, हमें डॉक्यूमेंट्स करने हैं तो डॉक्यूमेंट्स पे हम रखेंगे, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट्स पे है, हमने डॉक्यूमेंट को सेट कर लिया। अब हम अपना एक वो डॉक्यूमेंट आपको करके दिखाते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। हम बीएड का, बीएड सेकंड ईयर का, सपोज़ दैट इट्स ये बीएड सेकंड ईयर का है हमारा, इसको थोड़ा क्लीन उस पर हम करके आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे स्किप मत करिएगा क्योंकि अभी 200 केबी के नीचे रखना है, तो अगर 200 केबी के ऊपर हुआ इससे स्कैन करने के बाद, क्योंकि सबसे कम साइज़ यही देता है पीडीएफ स्कैन में, फिर भी अगर 200 केबी से ऊपर हुआ तो उसे कैसे कम करना है हम बताएं। देखिए अब इस ये कर लिया ना मैंने, लाइट भी है कमरे में ठीक ठाक। अब इस पर हम एक बार स्क्रीन पर टिक करेंगे, कर दिया। अभी ये चार पॉइंटर आएंगे, इन चारों पॉइंटर को पेज के चारों कोने पर ले जाओ, ठीक है, अपने आप ये कैप्चर कर रहा है। अभी अगर थोड़ा सा भी देखो इधर उधर हुआ तो अपने आप इसको सेट कर सकते हैं आप। हमने सेट कर लिया, कीप स्कैनिंग पे क्लिक किया। अब ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम क्लिक करके जब इसको ओपन करेंगे तो अभी आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ब्राइट आ रहा है क्योंकि ये सेट है ब्राइट मोड पे। नीचे ये देखिए कई सारे ऑप्शन हैं, तो हमें कुछ नहीं केवल फिल्टर पे जाना है, फिल्टर ऑप्शन पे जाके ओरिजिनल कलर पे, पहले नंबर पे ओरिजिनल कलर है, ओरिजिनल कलर पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसको देख लेंगे जूम करके कि सब कुछ साफ दिख रहा है नहीं दिख रहा है। हाँ साफ दिख रहा है। अब यहाँ पे जो एडोब स्कैन करके आ रहा है रीनेम कर लेंगे, नेम इसलिए हम सेट कर लेंगे क्योंकि हमें 10 डॉक्यूमेंट्स अगर 10 स्कैन करने हैं, किसी के 5 करने हैं, किसी के 6 करने हैं, तो फिर बाद में जब चूज़ करेंगे ना गैलरी से उठाएंगे तो फिर उसमें पता नहीं चलेगा कौन सा बीएड का है, कौन सा 10th का है, कौन सा 12th का। तो यहाँ पे हम बीएड हो गया और बीएड मार्कशीट लिख लेंगे और इसके बाद रीनेम पे क्लिक करेंगे। रीनेम पे क्लिक किया हमने, उसके बाद ये ऊपर एकदम ऊपर राइट कॉर्नर में सेव पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। ये अभी सेव हो रहा है और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये सेव होता है अपने खुद के एडोब स्कैन के क्लाउड स्टोरेज में, तो ये अपलोडिंग हो रहा है क्लाउड स्टोरेज से, हमें इसे अपने गैलरी में लाना है। तो ये मोर लिखा है ना चौथे नंबर पे, मोर पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ये कॉपी टू डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अलाउ मांग रहा है, परमिशन एक ही बार मांगेगा। ये देखिए बीएड मार्कशीट, अब यहाँ पर सेव कर लिया हमने, ये हमारे फाइल मैनेजर में आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हमारा सपोज दैट सीजीपीए वाला मामला है किसी भी उसमें क्लास में, तो एक हमारा जैसे था पोस्ट ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट और सीजीपीए, देखिए हम मार्कशीट, चलिए मार्कशीट भी कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए एक बार और रिवाइज। डॉक्यूमेंट पे है ऑलरेडी, हमने ये चार डॉट को किनारे किनारे लेना है। यहाँ पे बिल्कुल भी आप चूक मत जाइएगा, स्किप मत करना ज़रा भी। यहाँ पे देखिए ये चार डॉट सही मिले हैं, चलिए कीप स्कैनिंग पे जाइए, यहाँ पे आ गया सेव होके। अब यहाँ पे क्या था, ये छोड़िए, ये देखिए पहले यहाँ पे रीनेम कर लेते हैं हम। रीनेम में ये क्या था हमारा, पीजी का मार्कशीट था, तो पीजी मार्कशीट लिख के हम एम ए आर के होगा इसलिए लिख रहे हैं कि हमें बाद में जब सेलेक्ट करना होगा सीधे उठा लेंगे, पीजी वाले सेक्शन में पीजी डाल देंगे, बीएड वाले सेक्शन में बीएड डाल देंगे। अब ये रीनेम कर दिया हमने क्लिक, यहाँ पे सेव पीडीएफ कर दिया। इसके बाद तीसरा स्टेप जो है, सेव पीडीएफ किया, ये नो थैंक्स पे कर दो, यहाँ वो मांग लेता है, ये अपलोडिंग हो रहा है। और अपलोडिंग के बाद मोर पे जाएंगे आप, मोर पे जाएंगे, कॉपी टू डिवाइस कर दिया, ये डिवाइस में कॉपी यहाँ सेव कर लीजिए, डिवाइस में ये भी हमारे आ गया। अब सीजीपीए जहाँ पे जैसे मांगता है कि मार्कशीट अगर आपका, देखिए ये हमारा
सीजीपीए में था, 7.74 सीजीपीए था, तो सपोज़ दैट, तो अगर इसका हमें प्रूफ भी देना होगा, सीजीपीए वहाँ सेट करेंगे, क्लिक करेंगे परसेंटेज पे नहीं, सीजीपीए पे, तो हमें सीजीपीए वाला फार्मूला, मार्कशीट के बैक पेपर को हमने ओपन कर लिया, अब बैक पेपर को हम देखिए, बैक साइड को हम स्कैन करेंगे, चार डॉट्स अपने आप ये ले लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कीप स्कैनिंग पे गए, अब देखिए यहाँ पे सेव हुआ, अब देख लीजिए यहाँ पे सीजीपीए का फार्मूला ऐसे आप में भी, पहले तो हम इसका अगर उसमें हमने नहीं किया तो इसमें हम कर दे रहे हैं, ओरिजिनल कलर पे कर देंगे, जूम करेंगे, शायद हमने फर्स्ट पेज जो किया था उसमें ओरिजिनल पे नहीं, लेकिन आपको ओरिजिनल पे ही करना है, ब्राइटनेस ज़्यादा ना हो जाए, फिर रीनेम करिए, रीनेम ये था पीजी का सीजीपीए लिख लीजिए, पीजी सीजीपीए फार्मूला, ठीक है, जिससे हमें जब फार्मूला किसका पीजी का, अगर टेंथ का ट्वेल्थ का है तो टेंथ सीजीपीए फार्मूला, ट्वेल्थ सीजीपीए, फिर रीनेम कर लीजिए, सेव पीडीएफ कर लीजिए, याद रखना ओरिजिनल कलर पे करना है, ज़्यादा ब्राइट होगा तो मार्कशीट लगेगी कि आप फोटोकॉपी का स्कैन कर रहे हो, तो ओरिजिनलिटी नहीं दिखेगी आपकी, ठीक है। मोर पे गए हम और कॉपी टू डिवाइस, कॉपी टू डिवाइस, पीजी सीजीपीए फार्मूला सेव हो गया, हमने एक गलती करी थी लास्ट में, पीजी मार्कशीट जो हमने स्कैन किया था उसको हमने कलर उसका वो नहीं किया था, तो कलर हम उसका या तो दोबारा से वो कर लेते हैं, या फिर अगर ऑप्शन ये देखिए फिल्टर्स में आ गए, ओरिजिनल कलर कर लिया, ओरिजिनल कलर आ गया, पहले से नाम से सेव कर लिया यहाँ से पीजी मार्कशीट, और यहाँ पे वो अपने आप मोर पे जाके यहाँ पे अभी पूरा अपलोड हो जाने दीजिए, हाँ अपलोड हो गया, अब मोर पे जाके यहाँ पे कॉपी टू डिवाइस कर लेंगे, कॉपी टू डिवाइस, ये भी कॉपी टू डिवाइस हो गया। अब हम आपको पूरा करके नहीं दिखाएंगे, इतना बता दिया, अब टेंथ ट्वेल्थ और सी टेट या टेट का और बी एस सी बी ए बी कॉम जो भी हो उसका हम सारा का सारा करके रख तैयार कर लेते हैं, उसके बाद आपको अगला स्टेप बताते हैं, ऐसे ही करना है। से एक और करके हम आपको दिखा दे रहे हैं टेंथ का, सपोज दैट ये चार डॉट्स इसको अपने आप ही रीड करेगा, हाँ कर लिया, ठीक है, इसमें एक इसलिए करके दिखा रहे हैं, कुछ चीज़ें भी बता दें आपको, ये टेंथ का स्कैन हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम आए, जब ये बहुत ज़्यादा ब्राइट था, फिल्टर पे गए, एक आ गया ये, अगर आपको लग रहा है कि ओरिजिनल पे कुछ कम उजाला है, कम मतलब कम ब्राइट है, तो आप तीसरे नंबर लाइट टेक्स्ट पे जाके उससे भी कर सकते हैं, तो ओरिजिनल या फिर लाइट टेक्स्ट कर लीजिए। और ये था टेंथ का एक्चुअली, तो यहाँ पे रीनेम कर लें, टेंथ मार्कशीट लिख लीजिएगा, अगर सी जी पी ए में है आपका तो जो बैक साइड आप करेंगे स्कैन तो टेंथ सी जी पी ए लिख लीजिएगा, रीनेम कर लिया, सेव पीडीएफ कर लिया, सेव पीडीएफ के बाद हम चलते हैं, अभी अपलोडिंग हो रहा है, अपलोड हो जाएगा तो मोर पे क्लिक करके कॉपी टू डिवाइस कर लेते हैं, अभी हमारे फाइल मैनेजर में कॉपी हो जाएगा। अब इसके बाद एक चीज़ हम आपको और बता दें, एक प्रॉब्लम और आ रही आएगी अभी कि 200 KB से ज़्यादा ही आएगा, तो उसको कैसे कम करना है वो और भी ईजी है तरीका, उसको भी करना है, तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, क्योंकि AWS का फॉर्म हमेशा ऐसे ही होता है, बहुत टफ प्रोसेस होता है इसका, लेकिन हम जैसा बता रहे हैं वैसा करेंगे आप तो बहुत ईजीली हो जाएगा। अब देखिए हम चले जाते हैं फाइल मैनेजर्स में, ये कहाँ गया हमारा फाइल मैनेजर, ये देखिए फाइल मैनेजर आ गया, ये रिसेंट पे जाएंगे, आपके किस फोल्डर में जाएगा, रिसेंट में ही आपके भी जाएगा। देखिए टेंथ मार्कशीट 398 KB, बारहवीं की मार्कशीट 275, बीएससी की मार्कशीट 364, पीजी की 277, पीजी सीजीपीए फार्मूला कन्वर्टर वाला जो 313, सभी के सभी देखिए आप यहाँ पे सभी के सभी 200 KB से ऊपर जा रहे हैं। इसको कम कैसे करेंगे हम, आप चुपचाप इसको मिनिमाइज़ करिए, आप ब्राउज़र पे जाइए, आप एक वेबसाइट सर्च करेंगे pdf2go.com पे जाके हम एक डेमो करके दिखा देंगे, फिर आप ऐसे सारे कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, कंप्रेस पीडीएफ ऑप्शन आएगा, कंप्रेस पीडीएफ पे क्लिक करिएगा, चूज़ फाइल, आप फाइल चूज़ करिए, फाइल हमने चूज़ किया, फाइल्स उठाया यहाँ से, फाइल्स में हम सबसे पहले जो आएगा टेंथ मार्कशीट 407 KB का दिख रहा है यहाँ पे, हमने ये डाउनलोड फोल्डर में आया है, रिसेंट में भी आया होगा, रिसेंट में भी
ये आया है नहीं, रिसेंट में तो सीधे जो गैलरी में इमेज जेपीजी इमेज सेव हुई है उसको छोड़िए, डाउनलोड में जाइए। डाउनलोड में जब गए तो 10th मार्कशीट पे हम क्लिक किए, यहाँ पे अपलोड हो रहा है ये 10th मार्कशीट एडोब स्कैन 0%। अभी जब 100% हो जाएगा 397 KB अपलोड हो गया, यहाँ पे देखिए ये अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे बेसिक कंप्रेशन स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन, देखिए अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है तो जैसे 2 MB है, 2 MB 1 MB है तो स्ट्रॉन्ग कंप्रेशन पे करेंगे, लेकिन जब 400 KB है, 250 है, 300 है तो बेसिक कंप्रेशन पे टिक करके, अगर बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना है तो स्ट्रॉन्ग पे करेंगे, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा करना नहीं है, 50% लगभग करना है। बेसिक कंप्रेशन पे क्लिक करके स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट हो गया, बेसिक कंप्रेशन से ही आप यूज़ करें, स्टार्ट हो गया, प्रोसेसिंग हो रहा है। अभी जैसे ही हो जाएगा ये देखिए ऊपर सबसे ऊपर जो डाउनलोड लिखा है 128 KB का हुआ, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। हम डाउनलोड पे जब क्लिक किए ये ओपन हो के आ जाएगा, और यहाँ पे हम क्वालिटी भी देख लेंगे सब रीडेबल है कि नहीं। हाँ यहाँ पे सब रीडेबल है, ठीक है, ऑलमोस्ट रीडेबल है, ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह से रीडेबल है। फिर यहाँ पे ऑप्शन में जाके डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे, ऐसे ऐसे करके हम सारे 1 to 1 वन बाई वन, देखिए इसको ये फिर चला गया होगा वहाँ पे, सेव हो गया होगा, देखिए ये 10th अभी रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश कर लिया। 10th मार्कशीट जो 398 KB की थी 129 129 दो बार शो करेगा, उसका इशू नहीं है। अब आप इसी तरह वन बाई वन सब कर लीजिए, और एक और हम करके दिखा देते हैं, एक बार में अगर ना क्लियर हुआ हो तो इस पे गए आप, ठीक है। PDF2Go नामक वेबसाइट पर आप जब जाएंगे तो एक तो कर चुके हैं आप, तो दूसरा करना है अगर आपको तो सक्सेस, हाँ एक दूसरा करना है रीडू, ये नीचे ऑप्शन है, या तो बैक करके आप कर लीजिए, या तो रीडू पे क्लिक करके फाइल चूज़ करेंगे, फाइल से उठाएंगे हम यहाँ से। अब हम करेंगे 10th मार्कशीट हमारा हो गया है, चार चार बार शो कर रहा है यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं बाद में डिलीट कर देंगे। अब 12th मार्कशीट जो 282 का था उसको हम करके देखते हैं, दो ये अपलोड हो रहा है यहाँ पे, ये ऊपर 10th वाला डिलीट कर देते हैं हम, डिलीट हो रहा होगा अभी वो, इसीलिए वो बार बार हो जाता है, ऊपर वाला आप डिलीट करते हैं नहीं तो दोबारा स्कैन हो जाता है। हाँ 10th वाला डिलीट हो गया, 12th वाला बेसिक कंप्रेशन पे स्टार्ट करेंगे, PDF2Go.com, ठीक है, उस वेबसाइट पे हो रहा है ये। अब देखते हैं 250 के आसपास था ये, 120 उसके आसपास आएगा, 50% के आसपास करता है, देखिए आ गया, ये हमारा 115 KB पे आ गया। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे जब क्लिक करेंगे तो ये ओपन होके आ गया, ऐसे ऐसे हम फिर इसको डाउनलोड यहाँ से कर लेंगे, यहाँ से डाउनलोड किया तो ये फिर हम फाइल्स में जाके देखेंगे तो इट हैज़ बीन डाउनलोडेड सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए 12th आ गया ना, 12th मार्कशीट दो बार आ गई 116 116 KB की। इसी तरह से सारा हम कर लेते हैं, फिर आगे एक साथ आपको यहाँ पे पाउस करके हम सारा पहले कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं आगे कैसे अपलोड करना है, आगे का प्रोसेस क्या है।
ये देखिए हमारे फाइल मैनेजर में सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट कर लिए हमने। बीएड स्कैन दो बार है, PG CGPA वाला, PG CGPA, PG मार्कशीट, BSC मार्कशीट और IN.JSE, ये है CTET का 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट, सब 200 KB से कम। अब चलते हैं हम वेबसाइट पर। अब हमने वो पेज उस पर क्रोम पे खुला था, तो क्रोम पे मैंने PDF2go.com की खोल लिया था, तो हमें फिर से शुरू करना पड़ेगा। सरकारी रिजल्ट.com के लिंक पे गए हम, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं, अब लॉगिन पे क्लिक करेंगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लॉगिन पे जब जाएंगे, ओपन होने दीजिए, कभी कभी नेट स्लो होता है तो ओपन होने में टाइम लगता है। वेबसाइट ओपन हो गया, अब यहाँ पे लॉगिन आ रहा है। यूज़र नेम और पासवर्ड, यूज़र नेम पासवर्ड आपको जो ईमेल आईडी डाला था उस पर उन्होंने यूज़र नेम पासवर्ड दोनों भेज दिया है, वो हम देख के यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करके फिर आगे लॉगिन करते हैं। जी, हमने जीमेल से यूज़र आईडी पासवर्ड एंटर कर लिया, अब हम लॉगिन पे जाएंगे। लॉगिन पे गए, ये पूरा हमारा डिटेल आ गया, सेव एंड कंटिन्यू। सेकंड स्टेप भी कंप्लीट था, सेव एंड कंटिन्यू। अब देखिए क्वालिफिकेशंस जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, उसके बाद हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना। इसको डेस्कटॉप मोड पे कर लें, डेस्कटॉप नहीं इससे भी चलेगा, डेस्कटॉप मोड पे रिफ्रेश हो जाएगा। देखिए पहले हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हैं। ये सबसे ऊपर था मैट्रिक 10th का, यहाँ पे अपलोड मार्कशीट ओनली PDF मैक्सिमम 200 KB, चूज़ फाइल पे जाइए, फाइल्स ओपन करिए। जब आप फाइल ओपन करेंगे तो मांग रहा है किसका, मैट्रिक का, तो 10th हमारा मैट्रिक को हमने 10th नाम से सेव किया था। 10th मार्कशीट 132 KB, ये हमने चूज़ कर लिया 10th मार्कशीट। उसके बाद है 12वीं का इंटरमीडिएट, चूज़ फाइल इंटरमीडिएट वाले पे जाएंगे, इसीलिए हमने नाम इसका रीनेम किया था 10th 12th करके, जिससे दिक्कत आगे ना हो। 12th मार्कशीट ये रहा 119 KB, ये भी अपने आप देखिए अपलोड हो गया। 10th मार्कशीट 2022 1 PDF, 12th मार्कशीट 2022 3 PDF अपलोड हो गया। अब थर्ड नंबर पे क्या अपलोड करना है, सेलेक्ट क्वालिफिकेशन। अगर आपका DLED है, DLED के बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, BTC जिसको बोलते हैं, तभी आप इस पर क्लिक करिएगा, तो आप DLED का पूरा डिटेल भर के DLED की मार्कशीट फाइनल ईयर की अपलोड करेंगे। अगर DLED नहीं है तो हम जिसका अप्लाई कर रहे हैं उसका है BEd, तो बैचलर डिग्री में BSc का होगा, BEd यहाँ पे आएगा। सेलेक्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें BEd फिलअप करना है, और मैट्रिक इंटरमीडिएट इस सेलेक्ट क्वालिफिकेशन ये वाला, तो इस पर करना नहीं है BEd वालों को। बैचलर डिग्री के सामने पहले हम अपलोड कर लेते हैं बैचलर डिग्री का भी, चूज़ फाइल बैचलर डिग्री BSc मार्कशीट ये था, ठीक है जी। BSc मार्कशीट ये अपना सेव हो गया। अब BSc के बाद हम आएंगे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, अगर आप PGT भर रहे हैं तो अनिवार्य है पोस्ट ग्रेजुएट, अदरवाइज ऑप्शनल है। तो पोस्ट ग्रेजुएट हमने फिर भी हम PRT में भी कर देते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट का हमने PG, एक CGPA वाला था इसको नहीं, PG मार्कशीट करना है यहाँ पे, ठीक है। PG मार्कशीट था, अब चूँकि मेरा PG CGPA था तो CGPA पे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे CGPA का प्रूफ भी हम अपलोड करेंगे, क्योंकि मेरा केवल PG में CGPA था, तो PG CGPA फार्मूला ये अपलोड कर दिया मार्कशीट के सेकंड पेज का जो हमने PDF बनाया था। इसके बाद हमारा BEd था, ये डिटेल हम बाद में भर लेंगे, पहले अपलोड करके दिखा देते हैं आप लोगों को। डिटेल आप लोग को भरना आता है, BEd का मार्कशीट ये है कि
परसेंटेज था बीएड में, तो बीएड यहाँ से हम अपलोड कर लिए, और यहाँ पे परसेंटेज कन्वर्जन करना केवल हमें पीजी में था, जिनका सीबीएसई बोर्ड का था, आईसीएसई बोर्ड का, और उनका 10th 12th इन सब में भी करना पड़ेगा सीजीपीए वाला डॉक्यूमेंट। अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10th में, 10th में परसेंटेज था, 12th में मेरा परसेंटेज बेसिस था, उसके बाद हमारा बीएससी में परसेंटेज बेसिस था, पीजी में सीजीपीए था, बीएड में परसेंटेज बेसिस था। अब बाकी, अब ये देखिए सीटेट या टेट सर्टिफिकेट, तो हम इसको भी कर लेते हैं, आप देख लीजिए कैसे करना है। इसको भी हमने ये in.gov.cbsc ये हुआ था। अब इसका रोल नंबर हमें एंटर, अब हम सारी डिटेल भर के इसको नेक्स्ट करके तब आपको दिखाते हैं। जी हमने सारी डिटेल्स अपनी फिलअप कर ली, ठीक है, और यहाँ पे रोल नंबर सीटेट का, और सीटेट का वो अपलोड कर दिया। चूज फाइल के बाद यहाँ पे अपलोड पे टिक भी कर दीजिए, अपलोड हो गया सीटेट सर्टिफिकेट करके। और अब यहाँ पे IUOST क्वालिफाइड यस या नो, नो हमने नो पे टिक कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू। ये क्या कह रहा है, अपलोड मार्कशीट ओनली 10th मार्कशीट, मैंने क्या 10th मार्कशीट में कुछ गड़बड़ हुई है क्या, नहीं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू, क्लिक बटन, क्लिक अपलोड बटन टू सेव फाइल। अच्छा सभी में अपलोड अपलोड क्लिक करना है, इस पर ध्यान दीजिएगा, फाइल चूज़ करने के बाद सभी में अपलोड अपलोड और अपलोड। अच्छा इसमें तो DLED वालों का है, ये अपलोड इसमें भी कर दिया, इसमें भी अपलोड कर दिया, पीजी वाले में, बीएड में भी हमने अपलोड कर दिया, सारे अपलोड हो गए। अब सेव एंड कंटिन्यू करते हैं, प्लीज क्लिक बटन टू सेव फाइल टू सर्वर। अच्छा ये अभी, हाँ ये CGPA फार्मूला वाला भी अपलोड करना ज़रूरी था, वो भी अपलोड कर दिया, ये अपलोड कर ही दिया था, सेव एंड कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेव एंड कंटिन्यू पे करने के बाद ये ओपन हो जाएगा आपका, इसमें क्या है एक्सपीरियंस डिटेल्स, एजुकेशन हो गया था, एक्सपीरियंस डिटेल्स मांग रहा है, एक्सपीरियंस अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप एक्सपीरियंस डिटेल्स को छोड़ सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई भी स्टार नहीं लगा है, मैंडेटरी नहीं है, सेव एंड कंटिन्यू। अब तीन चीज़ अपलोड करना है, फोटो सिग्नेचर और सर्टिफिकेट एज प्रूफ ऑफ DOB, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ, आपका 10th की मार्कशीट होती है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली लोग वही यूज़ करते हैं, और इसमें हम अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके दिखाते हैं आप लोग को। जी देखिए फ़ोटो सिग्नेचर और सर्टिफिकेट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ, फ़ोटो सिग्नेचर इमेज फाइल होगी JPG या JPEG में, और सर्टिफिकेट प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में 10th की मार्कशीट। देखिए 10th की मार्कशीट हमने अपलोड कर दी, अपलोड हो गई, और सिग्नेचर और फोटो, फोटो में क्या ही रहा है, फोटो शुड बी बिटवीन 100x100 पिक्सल एंड 150x150 पिक्सल ओनली, तो इसको भी, ये भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको हम बता देते हैं इसको कैसे सेट करना है आपको। हाँ ये पिक्सल पे तो फोकस करना ही है, साथ में 50 KB से कम होना चाहिए, और 100x100 या 150x150 होना चाहिए, तो पूरा दोनों कराते हैं। जी इसके लिए आपको पिक्सल कम करने के लिए एक वेबसाइट है, गूगल पे जाइए resizepixel.com, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है, resizepixel.com पे हम गए, होम पेज ओपन हुआ, अपलोड इमेज आया, सबसे सिंपल तरीका है। फिर हम फाइल्स पे जाएंगे, फाइल्स पे हम गए, फाइल्स में हमें सपोज दैट ये देखिए 127 KB का था, इसको हमने लिया,
127 के वी। अब यहाँ पे फिक्स्ड एस्पेक्ट रेशियो पे को अनटिक कर दीजिए, ठीक है, उसका टिक हटा दीजिए। यहाँ पे 150 गुड़े 150 रिसाइज कर दिया टिक। अब एकदम नीचे आ जाएंगे, गो टू डाउनलोड, ये देखिए हमारा हो गया डाउनलोड। अब यहाँ से डाउनलोड इमेज पे टिक करेंगे, डाउनलोड इमेज पे हमने पहले कर रखा था इसलिए दोबारा कर रहा है। ये देखिए डाउनलोड होके हमारा जी साइज़ हो गया। अब इसका हम साइज़ देखते हैं कितना है, फोटो पे गए, यहाँ पे डिटेल्स में 18 KB का हुआ, ठीक है। ऐसे है, हमें अब वहाँ पे वेबसाइट पे जाके इसको अपलोड करना है। जी मैंने सिग्नेचर भी उसी वेबसाइट से रिसाइज कर लिया था, 150x150 पिक्सल अपलोड कर दूँ अब। और सपोज़ दैट अगर आपके पास, ये देखिए अपलोड हो गया, अगर आपके पास पहले से फ़ोटो, फ़ोन में फ़ोटो और सिग्नेचर नहीं है तो अपने कैमरा से मोबाइल से फ़ोटो क्लिक करें और सिग्नेचर एक पेज पे करके ब्लैक पेन से उसकी फ़ोटो क्लिक करें, फिर वेबसाइट जो हमने दिया है उस पर जाके, जो बताया वेबसाइट उस पर जाके रिसाइज कर लें 150x150, और एज प्रूफ में जो था वही रहेगा। प्रीव्यू एंड सबमिट, अब पूरा प्रीव्यू ओपन होके आएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। अगर हाँ, इफ़ यू डू यू वांट टू सबमिट योर एप्लीकेशन फॉर्म आफ्टर सबमिट यू विल नॉट बी एबल टू अपडेट योर एप्लीकेशन। एक बार सबमिट कर देंगे तो आप एप्लीकेशन को अपडेट नहीं कर पाएंगे, इसलिए सबमिट करने से पहले एक बार और देख लें फिर से दोबारा, ठीक है, प्रीव्यू में देख लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा, उसके बाद हमने देख लिया। अब ये अंडरटेकिंग सबमिट करते ही आप अंडरटेकिंग फॉलो कर लेंगे, सिग्नेचर यहाँ है, फ़ोटो ऊपर था एकदम ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम फाइनल सबमिट करते हैं, ओके। अब हमें ये देखिए मेक पेमेंट, अब यहाँ पे फी पेमेंट करना है बस, उसके बाद कुछ नहीं करना। फीस पेमेंट करेंगे तो उसके बाद आपका सारा प्रिंट आ जाएगा, पेमेंट का रिसिप्ट आ जाएगा, और उसके बाद 385 प्लस फी। अब देखते हैं क्या करना है, फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी डालते हैं जी। फ़ोन नंबर ईमेल आईडी डालने के बाद हमने जब प्रोसीड किया तो फ़ोनपे गूगल पे और ये सब सारी चीज़ें ऑप्शन आ रही हैं। कार्ड से करना चाहें तो कार्ड पे आप क्लिक करें, सबसे हमारे ख्याल से सबसे सेफ होता है कार्ड से करना, यूपीआई फेल्ड हो जाता है ना तो फिर 4 दिन बाद रिफ़ंड आएगा, तो इससे अच्छा है कार्ड पे आप कार्ड नंबर यहाँ पे इंटर करेंगे, उसका एक्सपायरी डेट, कार्ड होल्डर नेम, CVV, ये सब करके जब आप पे कर लेंगे फिर सारा फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा और उसके बाद आप उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। और ये आपका था लास्ट स्टेप, इसके बाद कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है, पूरा फॉर्म आपका कंप्लीट हो गया। और उसके बाद 10 फरवरी तक इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा, या एग्ज़ाम, शायद एग्ज़ाम डेट है 10 फरवरी तक। तो आप अगर, आपको अगर ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपको कठिन से कठिन प्रोसेस को हम इजीली से समझा के आपका समाधान कर सकें। धन्यवाद, नमस्कार।